हे गाइस, सो आई गेस यू नो अबाउट रेडिट बाय नाउ। ये वही ऐप है जिसने तन्हे वक्त का करियर बचा के रखा है। सो दिस ऐप पे कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। यहाँ के सबसे बड़े बड़े सब रेडिट्स जो कि इस पेज पर आप देख सकते हैं, ये रेडिट के 200 सबसे बड़े ग्रुप्स का नेम है। इसमें से मेजॉरिटी सब रेडिट्स क्लोज होने वाले हैं कुछ दिनों के लिए एज अ प्रोटेस्ट। एंड द रीज़न इज रेडिट की अपनी ऐप बहुत बेकार है। सो एवरीबडी इज़ यूजिंग अ थर्ड पार्टी ऐप जिसका नाम या तो अपोलो या बूस्ट फॉर रेडिट है फॉर एंड्रॉयड। ये थर्ड पार्टी ऐप्स ही रेडिट के 90% यूज़र बेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन ऐप्स में आपको एड्स नहीं देखना पड़ता है, प्लस ये ऑफिशियल ऐप से बहुत फास्ट काम करते हैं। रेडिट इज़ गोइंग फॉर एन IPO और इसीलिए वो अपनी प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू शट दीज ऐप्स डाउन। आई ऑल्सो यूज दीज ऐप्स ऑन माई पर्सनल डिवाइस एंड इन ऐप्स के बिना रेडिट यूज़ करना फनी नहीं होगा, क्योंकि रेडिट्स पे जो मीम होती है आप उसे डाउनलोड करते हैं, शेयर करते हैं, और ऑफिशियल ऐप में वो करना बहुत मुश्किल है। ये थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत फेमस हैं और इसीलिए रेडिट ने इनकी API जिसके बिना कोई भी ऐप काम नहीं करेगी उसकी प्राइसिंग बहुत बढ़ा दी है। अब हर यूज़र जो ये थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करेगा उनकी ऐप्स को $20 million देनी पड़ेंगी, जो कि ट्विटर की रेट्स के बराबर हैं। एंड टू प्रोटेस्ट दिस ऑल दी सब रेडिट्स हैव गॉन प्राइवेट एंड द ओनर ऑफ द कंपनी स्पेस उसने एक मीटिंग रखी थी एक AMA जहाँ पे उसने ट्राई किया अपने यूज़र्स के क्वेश्चन को आंसर करने की, और उसके कमेंट्स के डिसलाइक देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कैसा गया। इसके बाद हर थर्ड पार्टी डेवलपर ने अपने प्रॉब्लम्स को पब्लिक के बाहर सामने दिखाया और अपने अपने सबरेडिट्स में एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ये बोला कि उनके तरफ बहुत लिया और वो उन्होंने अपनी सब रेडिट को प्राइवेट कर लिया है। आई होप यू हैव अ गुड डे गाइस, थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।